हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेचुरल डिलाइट बाय प्रीति। और जैसा कि दिवाली भी आ रही है, तो चलो दिवाली के डेकोरेशन के लिए हम एक आइटम बना लेते हैं। ये मैंने एक यहाँ पे वेस्ट ग्लास बॉटल ली है, जिस पे मैं एक्रिलिक कलर की हेल्प से कुछ इसको पेंट करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बेस कोट दे रही हूँ वाइट एक्रिलिक कलर का ही। अगर आपके पास गैसो हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, बेस कोट देना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि आगे हम जो भी कलर यूज़ करेंगे ना, उसकी जो कलर की शाइन है, जो कलर है, वो बहुत अच्छे से दिखेगा, उसका लुक बहुत अच्छे से आएगा, स्पेशली जब अपन लाइट कलर यूज़ करते हैं। अगर एक बार का आप डार्क कलर यूज़ कर रहे हैं, तब अगर आप बेस कोट नहीं भी देंगे वाइट कलर से तो भी चलेगा। उस केस में क्या करें, आप जो भी डार्क कलर है उसका सेकेंड कोट कर लें, मतलब दो कोट उसके ज़रूरी हैं। तो यहाँ पे वाइट कलर का ये हो गया, ड्राई भी हो गया। अब मैं क्रेयोन की हेल्प से इस पर जो भी मुझे स्केच करना है, जो भी ड्रॉ करूँगी मैं, उसका स्केच बना रही हूँ। देखिए, उससे क्या मिस्टेक नहीं होती है, अगर आप एक ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो अच्छे से हो जाता है वो। अब यहाँ पे मैं सारे कलर एक्रेलिक ही यूज़ कर रही हूँ, और जो भी कलर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ उसका जो कोड है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रही हूँ। उससे क्या होगा कि आपको जब भी कलर ये लेने जाएँ आप, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली उसको सर्च करेंगे। और जो भी आप कलर करें ना, उसके सेकेंड कोट ज़रूर करें। मतलब वाइट कलर तो हमने बेस कोट कर ही दिया, उसके बाद जो भी हम ये ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं, उनके डबल डबल कोट करें। उससे उनकी शाइन अच्छी आएगी, वो कलर अच्छे से आएगा और बहुत अच्छे से फिनिशिंग आएगी। इनफेक्ट इस बॉटल को आप दिवाली पे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐसे ही जहाँ पे आप रखें अपने टेबल पे, कॉर्नर पे, शेल्फ्स में, तो वैसे ही बहुत अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसमें लाइट्स भी डाल सकते हैं, तो दिवाली तो वैसे ही लाइट का फेस्टिवल है, तो आप इसमें लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लाइट्स की स्ट्रिंग डाल दें और तो भी बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। मतलब जैसे चाहे वैसे आप यूज़ कर ले इसको। इनफेक्ट आप इस पर मनी प्लांट वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं, जो पानी में जो भी प्लांट ग्रो होते हैं ना, वो भी आप बहुत ईजिली इसके अंदर ग्रो कर सकते हैं। तो जब दिवाली हो जाए उसके बाद वापस उसको इस तरह से यूज़ कर लें। वैसे तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जो मैंने कलर कॉम्बिनेशन लिया है वो ही यूज़ करें, लेकिन फिर भी आपकी चॉइस है कि आप जो चाहें वो यूज़ कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन अपना अपनी तरफ से बना सकते हैं। बहुत सिंपल पेंटिंग है, स्पेशली बच्चे भी इसको बहुत इजीली कर सकेंगे। और देखिए, क्रिएटिविटी दिखानी होती है, बच्चों को तो बड़ा पसंद होता है ये सब करना, तो उन्हें इन्वॉल्व करें तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ चलो कुछ फेस्टिवल का कुछ हम भी हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे मैं जो वाइट कलर था वहाँ पे भी सेकंड कोट कर रही हूँ, तो ये ज़रूर ध्यान रखें जो भी आप कलर करें उस पर डबल कोट ज़रूर दें उसको, तो आप खुद ही देखेंगे कि कितनी अच्छे से फिनिशिंग आती है, लाइंस वगैरह नहीं दिखती। दिवाली आ रही है तो सब जगह क्लीनिंग भी स्टार्ट हो गई होगी, दिवाली की सफाई भी। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप दिवाली की सफाई ज़रूर करें, बट घर को साफ करते करते ऐसा नहीं हो कि आप अपनी सराउंडिंग को गंदा कर दें। मतलब जो भी आप घर से अपना वेस्ट निकाल रहे हैं उसको अच्छे से डिस्पोज करें। लैंडफिल्स में जितना जाने से आप उसको रोक सकते हैं उतना रोकें। होता है कि हम कुछ भी चीज़ें, हमें लगता है कौन रद्दी वाले को देगा, क्या करेगा, सीधा उसको थ्रो कर देते हैं, डस्टबिन डाल देते हैं। तो मैं यही कहूँगी जो आप रद्दी वाले को दे सकें, देखिए पैसा मैटर नहीं करता, आप उनको फ्री में दे दें, पर एटलीस्ट वो लैंडफिल में जाने से तो रुकेंगे। आपने सोचा है कभी जो रद्दी वाले भैया वगैरह होते हैं वो हमारे लिए कितने हेल्पफुल होते हैं? मतलब वो ही सारा वेस्ट ले जाते हैं और उसको एक रिसाइकिल बिन वगैरह में, जहाँ पे रिसाइकिल सेंटर होता है, वहाँ भेज देते हैं। अगर वो लोग नहीं होंगे तो ये सारा कचरा क्या होगा, डस्ट वहाँ पे जाएगा, लैंडफिल्स में जाएगा, तो एनवायरनमेंट के लिए वो कितने हेल्पफुल होते हैं। तो चलिए, हमारी बॉटल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आप चाहें तो इस पे क्लियर वार्निश भी कर लें ताकि थोड़ा सा और लॉन्ग लास्टिंग रह जाएगा। देखिए, जो भी फेस्टिवल होता है, दिवाली या घर का सिंपल डेकोरेशन भी जब हम करते हैं, तो बिना प्लांट्स के और बिना कुछ हैंडमेड आइटम्स के वो अधूरा होता है। तो कुछ ना कुछ बनाते रहें, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें, प्लांट्स लगाएं अपने घर में, डेकोरेशन में प्लांट्स को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि जो ग्रीन इफेक्ट प्लांट्स देते हैं ना, वो और कोई चीज़ नहीं दे सकती। इनफैक्ट आप प्लांट्स खुद भी लगाएं और लोगों को भी गिफ्ट में प्लांट्स दें और उससे के हैंडमेड आइटम्स दें, तो उनको भी बड़ा अच्छा लगेगा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको ये क्रिएटिविटी, ये वीडियो पसंद आया होगा। चीज़ों को रीयूज़ करें, रीसाइकिल करते जाएं। और इसी तरह से मेरे और भी DIY आइटम्स हैं, आपको पसंद आए तो आप उनको बना सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं, बालकनी को डेकोरेट कर सकते हैं, अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।